आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अपने पैतृक गांव मलकपुर सैमली ब्लॉक डिलारी पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुरादाबाद विमल कुमार कश्यप ने टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम से बातचीत करते हुए दिल्ली में पार्टी की जीत को लेकर जनता का आभार व्यक्त किया और आगामी चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को प्रोत्साहित किया। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ विमल कश्यप जी के पास, जो कि लोकसभा चुनाव 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में फिर से एक बार मौजूद है, इसी बारे में हम विमल कश्यप जी से दो चार बातचीत करेंगे कि कैसा यहाँ पर अब जो है महसूस हो रहा है और क्या संदेश हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देना चाहेंगे। विमल कश्यप जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता में है और काफी अच्छी सीटों से, काफी अच्छे वोटों से यहाँ पर विजयी हुई है दिल्ली में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस होता है? देखिए, हम शुरू से ही हमारा एक जो मुद्दा था दिल्ली के अंदर चुनाव को विकास को लेकर हम चल रहे थे और हमारा जो मेन कंसर्न था वो हम जनता को जो बेनिफिट हम दे रहे थे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उन्हीं सब चीजों पर हमने चुनाव लड़ा और उसी को लेकर हम आगे चले जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी अच्छा काम कर रही है, जनता ने देखा भी है, सराहा भी है और एक बार फिर से उन्हें चुना भी है। काफी विकास आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में करवाया है। क्या इस तरह का विकास हम उम्मीद करते हैं कि और राज्यों में, और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी ऐसी सरकार आए और ऐसा विकास कराए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं जी, जरूर, बिल्कुल। और प्लान यही है, आगे जो भविष्य में जा रहे हैं, आने वाले जो चुनाव हैं 2022 में हैं, 2021 में हैं जी, उसमें प्लान यही है कि देश को हम, देश में, पूरे देश में ही पार्टी को हम आगे लेके जाएं और जो मुद्दा हमारा दिल्ली के अंदर था उसी मुद्दे पे हम आगे बढ़ें और विकास की जो एक राजनीति है हमारी, जो विकास की बात पे हम आगे बढ़े हैं, एक समाज के लिए काम करने के लिए हम आगे चल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें और देश में इसके पार्टी का विस्तार करें जी। जैसा कि दिल्ली की जनता ने ये साफ साफ जो है जाहिर कर दिया है कि जनता केवल विकास चाहती है, वो किसी भी सांप्रदायिक झगड़े या किसी भी इस तरह के भेदभाव में नहीं रहना चाहती, केवल विकास चाहती है। इसी तरह से आप हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह हमें जो है चुनाव के समय में अपना मोटिव रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने नेता को चुनते समय अपनी मेंटेलिटी बनानी चाहिए, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है तभी से उनका एक अपना एक मोटिव यही रहा है कि हमको सबके साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है जी। और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी अब भविष्य में है 2022 में, जैसे दिल्ली में लोगों ने इनको बता दिया है कि ये राजनीति जो जातिगत राजनीति है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े पे करवाना चाहते हैं, उस चीज़ को ना करके और यूपी की जनता समझे और विकास के नाम पे वोट दे जी। जो पब्लिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको अपने विकास की तरफ ध्यान, विकास की तरफ ध्यान जी। थैंक यू विमल कश्यप जी हमारे चैनल में समय देने का, थैंक यू वेरी मच।